हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे। मेरा नाम है अहमद और आप लोग देख रहे हैं इस पर ब्लॉग्स। तो गाइस आज जो है फर्स्ट नहीं सेकंड में है और आज जो है वो बुध का दिन है। आज बुध बाजार लगेगा तो आज बुध बाजार भी जाना है हमें। खैर वो तो दोपहर की बात है, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 7 बजे हैं सुबह के। सोच रहे होंगे मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गया भाई। मैं वैसे ही निकम्मा ही हूँ, इतनी जल्दी नहीं उठता मैं। वो तो मैं रात को सोया ही नहीं था इसलिए अभी तक उठा हुआ हूँ, वरना मैं तो 12 बजे तक उठता हूँ भाई, पता है, साफ साफ बता रहा हूँ मैं। और अभी चलते हैं नाश्ता लेने। तोतों के लिए भी ब्रेड लानी है और बिस्किट लाने हैं उनके लिए। बेचारे भूखे हैं बेचारे, क्या करें, उन्हें हमारे उनके लिए तो खास ख्याल रखना पड़ता है उनका। और नाश्ता लेकर आते हैं, जो नाश्ता करेंगे मैं तो अभी नाश्ता कर लूँगा भाई, क्योंकि फिर मैं सो जाऊँ शायद, नहीं बल्कि 12-12 बजे ही करेंगे, क्योंकि कढ़ी बनी हुई है ना, तो कढ़ी पराठा खाएंगे भाई, मज़ेदार। कल कड़ी बनाई थी नानी ने। तो चलते हैं जल्दी से बाहर, नाश्ता लेकर आते हैं। बहुत सुबह का टाइम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, मज़ा आएगा यार। चलते हैं जल्दी से नाश्ता लेने। और ये बिल्लियाँ भी हमारे घर के सामने ही बैठी हैं बिल्कुल। और मम्मा ने तोतों को भी निकाला हुआ है अभी बाहर, उनको फीड दे रही थी। और ब्रेड मंगवाई है, अंडे ब्रेड और बिस्किट मंगवाए उसके लिए, तोते के लिए। तो चलते हैं, गोरा गोरा लग रहा हूँ बड़ा यार, हैंडसम बॉय। वाओ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। जल्दी नीचे चलते यार, चलो। दूध की दुकान ही खुली हुई होती है इस टाइम बस, बाकी सब दुकानें बंद होती हैं। दूध वाले अच्छे बंदे हैं, जाग रहे होते हैं भाई, जल्दी दुकान खोल लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। 5 पे लिफ्ट है अभी, कोई भी नहीं है इसलिए बुला लेते हैं भाई। अब चलते हैं जल्दी से सामान लेने, हल्की सी धूप निकल चुकी है, हल्की सी धूप निकल चुकी है लेकिन ज़्यादा कुछ गर्मी नहीं है अभी तक का शुक्र है। तो चलते हैं, और पैसे बचे तो मैं कुछ ले भी लूँगा यार, चीज़ वगैरह, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है, मैं जाग रहा था ना घर से भाई। अभी फुल सन्नाटा चल रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं सारी दुकानें वकैने बंद हैं, सिर्फ दूध की दुकान ही खुली होती है इस टाइम। सौदा ले लिया सामान, ये रहा ये सब सामान। अब चलते हैं ऊपर जल्दी से, और अपने लिए मैंने बिस्किट लिया है वाला, ऊपर चल रहे। घर भी बस आ गया है अभी, और अफर जो है वो सो रहा है, वो उठा नहीं है, क्योंकि वो तो जाग रहा नहीं था, वो तो सो जाता है भाई, वो अपना काम करता है जल्दी सो जाता है, वो तो मेरी तरह नहीं है शुक्र है। अभी तक ये बिल्लियाँ यहीं पे बैठी हुई हैं, गेट खोले मम्मा। और अब चलते हैं जल्दी से नाश्ता वाश्ता, शायद खाते हैं या नहीं खाएंगे, देखते क्या होता है यार। अभी मैं उठ गया था और फिर नाश्ता करने लग गया, मैं सो गया था उस वक्त असल में, और अभी नाश्ता कर लिया। सफर के कारी साहब भी आ गए तो वो सिपारा पड़ रहे, जैसे मैंने बोला था कि पराठा और कढ़ी खाएंगे तो वही खा रहे थे, दिखा देता हूँ आपको अभी। तो खैर खा लिया है पूरा, देख सकते हैं। तो गाइस जैसा मैंने बोला था सुबह के, हम जाएंगे आज बुध बाज़ार, आज बुध का दिन है तो बुध बाज़ार लगा होगा, तो बुध बाज़ार जाना है। इस पर के स्कूल के शूज़ लेना है वहाँ पर, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के शूज़ मिल जाते हैं वहाँ पर, और देखते हैं वहाँ चलते हैं। और मुझे शर्ट भी लेनी है, तो देखते हैं वहाँ क्या होता है, कैसा सीन है, दुकान वकान खुली हुई है या नहीं, दुकान कह रहा शूज़ मिलते हैं या नहीं, देखते हैं वहाँ घूमेंगे। और कैमरा क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वाले मोबाइल से मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, 2 मोबाइल हैं उनसे वीडियो बनाता हूँ। घर में ये अच्छी क्वालिटी आ रही होती है क्योंकि अच्छे वाले मोबाइल से बनाता हूँ, बाहर जो है पुराना मोबाइल लेकर जाता हूँ, इसलिए ना थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन चलते हैं वहाँ पर, फिर आपको दिखाएंगे। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ बाइक लेने, तो बाइक लेने चलते हैं। अस्पर तो रेडी है अभी, अस्पर जूते चेक कर रहा है अपने, कैसे हैं उसके, सही है हैं? ये एक समझ में आया, नाइकी जैसा है, और एक ये वाला ट्राई कर रहा है, ये भी अच्छा है, ये वाला सबसे अच्छा है, रेड ये भी अच्छा है, ऑरेंज वाला कलर अच्छा है, और ये वाला भी बहुत अच्छा है, ब्लू वाला, ये तो ये वाला समझ में आ रहा है, बाकी ये बहुत महंगा दे रहे हैं। ये तो ट्रेविस स्कॉट वाला है ये, हाँ। अभी जो है भाई घर आ चुके हैं फाइनली, बहुत रश था वहाँ पर, जो हमें द्वार बाजार गए थे ना ब्लॉग में एक बार, उससे डबल हो गया ये बाजार, बुध वाला बुध बाजार उससे भी बड़ा था नहीं है भाई, इतने सारी दुकानें, शूज़ की तो इतनी सारी दुकानें कि देख देख के थक जाए बंदा।
और 6-7 हज़ार के शूज़ एक भाई बहुत लूट रहे थे। चलो नाइकी और ये वाले शूज़ थे लेकिन 6-7 हज़ार के मतलब के लूट मचाई हुई थी। लग रहा था कि लाइट हाउस में बैठे हैं। और बहुत अच्छी अच्छी दुकानें भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी भाई, मज़ा आया देखने में। एंटीक्स है और शो पीसेस थे बहुत सारे, कपड़े भी थे और जूते चप्पले तो बहुत ही ज़्यादा थे, इससे ज़्यादा इस बार जूते चप्पले थे। और हमने भी सामान लिया, तो ये रहा ये सब सामान लिया। और ये मम्मा ने बैग लिया है, ये भी बैग लिया है। और ये चॉपस्टिक है, ये है, मैं नूडल्स खाता हूँ ना उसके लिए चॉपस्टिक लिए। और ये बटर नाइफ है, ये लिया है। और इधर देखें कपड़ों में तो मैंने एक शॉर्ट लिया है और दो शर्ट लिए, एक ये दो शर्ट लिए, एक ये शर्ट लिए और एक ये वाली। और ये मम्मा ने मैट लिया है। और अस्पर के भाई स्कूल के शूज़ आए, बड़े क्लासिक शूज़ हैं वैसे, ये देख सकते हैं नाइकी के, कितने अच्छे शूज़ आए नाइकी के अस्पर के, मज़े आ गए भाई। तो अब जल्दी से फ्रेश होते हैं, असर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी वो भी पढ़ते हैं भाई। और मुँह हाथ धोते, बहुत गर्मी थी वैसे और प्यास भी बहुत लग रही थी, अभी पानी पिया है, ज़रा ठंडक हुई है। और आप नमाज़ पढ़ते हैं यार। तो यार आप लोग को जो रिव्यू नहीं करवाई थी चीज़ें, अभी रिव्यू करवाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं क्या क्या लाएँ, ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें लाएँ। दिल तो चाह रहा था पूरी मार्केट ही ले लें लेकिन इतना पैसा नहीं है, क्या करें, जो आ सका वो ले लिया हमने। असफर ने शूज़ लिए तो पहन के दिखाया है अभी, ये बैठा हुआ भाई, जल्दी शूज़ पहन कर दिखाओ सबको। शूज़ वैसे बहुत प्यारा है इसका, ये देख सकते हैं, बहुत मज़बूत शूज़ है और कलर भी इसका अच्छा है। और ये इसने स्कूल के लिए लिए वाले शूज़, जल्दी पहन के दिखा दो यार, इतनी लंबी कर रहे हो यार आप, और भी चीज़ें दिखानी है आपकी, सुस्त हो बड़े यार आप। इस कपड़ों में भी अच्छा लग रहा है, खड़े हो, हाँ ये देखें, इनमें भी अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल क्लीन है, वाइट वाली पार्ट इसका बिल्कुल साफ़ हुआ हुआ है, अच्छा शू है। मैं साइड से दिखाना चाह रहा हूँ तुम, और मोड़ ये देखो, अरे भाई भाई खड़े रहे, अब पागल आदमी है ये, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये। मैं साइड से दिखाना चाह रहा हूँ और पाँव मोड़ने में लगा हुआ है। और दूसरा भी पहन लो, दोनों पहन के दिखाओ, छोटी बड़ी टांगे हो गई नहीं तो। रियल नाइकी है, और लुंडा में जो है रियल नाइकी आता है, वरना जो जो नए होते हैं वो कॉपी होते हैं, ये लुंडे में जो आते हैं वो असली होते हैं। ये कैसा, क्यों उसमें क्या स्टेप, खोलो इसका लेस तो खोल लो इसके, अब दोनों एक साथ पहन के दिखाओ कैसे लगते हैं। और जब तक के ये पहन रहा है ये दिखा देता हूँ, मम्मा ने दो पर्स लिए थे, तीन पर्स लिए थे भाई, एक दो और ये तीन, ये 100 रुपये का और ये है 200 के, दो सौ के यानी 100-100 के, दो सौ के 400 के। अच्छा ये देखो, और मैंने कपड़े लिए थे वो भी मैं दिखाऊंगा अभी, ये अच्छा, इसमें से क्या, इसमें से कुछ निकला था ना, यूरो सेंट निकला है इसमें, वन सेंट निकला है इसमें से, अमीर हो गए हम। अरे उसके लेस लूज करने पड़ेंगे, ये अजीब सा लग रहा है, कोई नहीं डिजाइन है ये मुझे अच्छा नहीं लगा यार, तो हमारी चॉइस होगी अलग, इनकी चॉइस अलग होती है भाई, हाँ हमें क्या पता। ये शूज एक टाइम एक यूज कैसे होगा, कपड़े अभी मैं पहन के दिखाऊंगा, वैसे तो पहनना नहीं चाह रहा था क्योंकि अभी वो धुले हुए नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए यार पहनेंगे। और पूरे जो जो मैं लाया हूँ सब पहन के दिखाऊंगा, एक शॉर्ट लाए और दो शर्ट ही लाए हूँ अपने लिए, और क्या लिया मैंने, और बस यही लिया मैंने तो भाई। और मार्केट में मैंने कैमरा नहीं खोला क्योंकि बहुत रश था यार, बहुत बड़ी मार्केट लगी थी आज, पता नहीं कैसे लेकिन बहुत बड़ी मार्केट थी और रश भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई, इतना स्पेस नहीं था कि वीडियो सही से बना सकूं, और शोर अलग हो रहा था, मट्टी। और मैंने अभी देखा कैप की बुरी हालत हो चुकी है यहाँ पर, ये देख सकते हैं पूरा मट्टी हो गया है मेरा कैप बेचारा, इसको धोना पड़ेगा यार, अब एक और काम आ गया। और दूसरा कैप जो था इन भाई साहब ने खाला कहीं छोड़ दिया, दिमाग ख़राब,
ऐसा भुलक्कड़ नहीं है। उस दिन बोला भी कि कैप देख के आ जाओ, पर है या नहीं है। नहीं पता नहीं कहाँ बेहोश रहते हैं, यहाँ तो पहना नहीं करा करो मेरी चीज़ें। आएंगे तो कुछ नहीं देंगे। याद आ रहा है, खड़े हो, पहन लिए दोनों शूज़ इसने। हाँ भाई शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन जूते अच्छे लग रहे हैं जी। ओ बच्चे पे नहीं चढ़ रहा आपके, नीचे ही तो घूमते रहते, फिर इनको भी तो मसले हैं। ये देखो कैसे हैं तुम्हें, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। देखो तोन निकल लिए, ये भी कम कर लो बस, फुल फिट हो जाओ, सही हो जाएगा, गुड हो जाएगा सीन। शूज़ तो अच्छे हैं, कल ही पहनने पड़ेंगे, कल स्कूल जाना है। कल मुझे भी स्कूल जाना है क्योंकि एक तो डेट शीट मिलेगी और ऊपर से एडमिट कार्ड मिलेगा कल, और बताएंगे कि हमारा सेंटर कहाँ पड़ा है बोर्ड के लिए। तो स्कूल जाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरा सिग्नेचर भी होंगे, इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा वरना मम्मा ले आती। तो देखते हैं कल क्या होता है। और यार बहुत डर लगता है बोर्ड से। तुम क्यों स्टैचू बने हो, उतार दो भाई शूज़, काम करो अपना, स्कूल का काम जो कर रहे थे। और अब मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ पहन के अपने कपड़े, ठीक है करके। नहीं नहीं हाँ ना, एक बार पहन जब धुल लेंगे तब। अच्छा यार मम्मा नहीं पहनने देती। तो अभी रात हो रही है और नगेट्स वगेट्स चलनी है मम्मा आज फाइनली, बहुत दिन हो गए, एक हफ्ता हो चुका है शायद, तब लाई थी मम्मा और आज चला है फाइनली। अस्पर तो खा चुका है, वो स्कूल लेकर जाता है। ये देख सकते हैं कबाब भी लाई थी, सीख कबाब और नगेट्स हैं वहाँ पर, और मैगी है। आज तो ये डिनर हो रहा है मज़ेदार था, तो ये डिनर करते हैं। और यार थोड़ी तबीयत सी डाउन हो रही है मेरी, इसलिए आपसे इस ब्लॉग को यही एंड कर देते हैं। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करना है। एक सब्सक्राइबर रह गया 350 सब्सक्राइबर्स में, इतने हफ्तों से भीख मांग रहा हूँ 350 सब्सक्राइबर की, एक सब्सक्राइबर रह गया, अब तो कर दो। जो जिसने नहीं किया और वीडियो देख रहा है प्लीज़ भाई प्लीज़। तो मिलते हैं आपसे कल के अच्छे से ब्लॉग में और एक अच्छे से कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना।